सो गाइस, तो दर्शन हमारा काफ़ी अच्छे से हो गया यार। और जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो वीआईपी लाइन और जनरल लाइन एक हो जाता है और हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन किया। यहाँ से दुख था, भीड़ जाने वाले लाइन में है यार, मतलब नीचे उतरने वाले में। देखिए एक बार मेरे पीछे नज़ारा। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अभी माता शारदा मंदिर जाने के लिए। अभी हम लोग होटल में रुके हुए थे, शारदा के मंदिर जाएंगे। सो अभी हम लोग पूरा रेडी हो गए हैं और यहाँ से निकलेंगे। नीचे मेरी ब्लैक ड्यूटी लगी हुई है भाई, क्रेटा से आए थे, तो चलेंगे माता शारदा के मंदिर और देखते हैं वहाँ पे पहुँच के कि रोपवे से जाना है पैर या स्टेप चढ़ के जाना है भाई। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि रोपवे से ही चला जाऊँ, धूप ज़्यादा हो जाएगा भाई और धूप काफ़ी तेज़ हो चुका है। और भाई हम लोग को घर भी जाना है, तो चलते हैं और दिखाते हैं कुछ रास्ते का सीन या फिर मिलते हैं हम लोग जहाँ से टिकट लेंगे, सारा कुछ करेंगे माँ शारदा मंदिर के पास, मतलब नीचे में ही कैंपस में मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। सो गाइस, यही होटल है, होटल मैहर इन करके, यहीं पे से हम लोग रूम बुक किए थे इसी होटल में भाई। और इस होटल का चार्ज हमें पड़ गया था अप्रोक्स 2200 के अप्रोक्स में। सो यहाँ से हम लोग निकलेंगे मैहर के लिए। तो भाई आइए चलते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। नहीं नहीं भाई, ये सब जो लोग रहते हैं इससे सतर्क रहने का, बिल्कुल जो कहीं भी ऐसे मंदिर पहाड़ कहीं भी जाते हैं आप लोग घूम ले तो ऐसे लोग मिले तो इससे सतर्क रहें यार, क्योंकि बहुत ये लोग ठगी होते हैं, ठगते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा ये लोग। क्योंकि मैं सीडी वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, अभी डायरेक्ट हम लोग टोल कटवाएंगे और डायरेक्ट हम लोग गाड़ी लेके अंदर जाएंगे, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है भाई। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग में भाई, या पार्किंग में हम गाड़ी पार्क कर दिए हैं। और जैसे ही यहाँ पे पार्किंग में आप गाड़ी घुसाने लगेंगे भाई, गार्ड यहाँ पे मिला रहता है, बोलेगा कि पार्किंग में जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। पर यार पार्किंग में ही गाड़ी लगा, कोई दुकान वाले के चक्कर में ना फंसे, तो हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, अब चलते हैं यहाँ से। तो भाई पार्किंग से जैसे ही निकलेगा आपको उस साइड में जाना है वहाँ पे, और आप लोगों को टिकट मिलेगा, कुछ इस तरह का टिकट है यार। और पर पे टिकट का लग रहा है टोटल 150 रुपये, टैक्स वैक्स लगा के 150 रुपये लगेगा टिकट का यार। तो टिकट ले लिए हैं और अब प्रसाद लेते हैं, देखते हैं कहाँ से प्रसाद लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं प्रसाद लेने। तो प्रसाद लेते हैं हम लोग, सिंगार वाला प्रसाद पैक करवा रहे हैं भाई, जो कि सिंगार वाला सामान ऊपर रख लेगा और अनाउंस भी करते रहता है कि अपने गार्ड को खोल के रखें, ऐसे करके जो वहाँ पे सिंगार वाला सामान होगा सारे कुछ रख लेंगे और प्रसाद आपको वापस कर दिया जाएगा। सो पहले यहाँ से प्रसाद लेते हैं, उसके बाद चलते हैं रोपवे के पास, टिकट तो हमने पहले ही ले लिया, उसके बाद बैठेंगे और ऊपर जाएंगे। सो चलिए चलते हैं प्रसाद लेके। सो गाइस हमने प्रसाद ले लिया है भाई, सारे पैक करवा लिए हैं और अब निकल रहे हैं हम लोग रोपवे की ओर। और देखते हैं भाई इधर कैसे कैसे वीआईपी लाइन और जनरल लाइन करके कुछ है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है यार। और मेन खेल होता है रोपवे से यहाँ से जाने का, ऊपर तो 10-15-20 मिनट लाइन लगना ही पड़ता है, तो चलिए चलते हैं। रोपो का सारा सिस्टम एक ही है, राजगीर वाले में भी एक ही है, भल्लाल देव वाले, मतलब कहीं भी रोपे पे जाते हैं। तो क्या भाई अंकित भाई कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है यार। मजे आ रही हैं या? तो अभी हम लोग चलेंगे माँ शारदा के दरबार में और पूजे अच्छे से करेंगे। प्रसाद ले लिए हो ना? हाँ ले लिया। नहा धो के आए हो? हाँ आया। तो हम लोग सारे जन एक ही साथ नहा लिए थे और मेरा भाई तो सिकंदर भाई तो आगे चला गया है, तो क्या कुछ कहना चाहते हो उसके बारे में? नहीं वो ठीक है, चला गया उसमें, नहीं तो परेशान हो जाता है इसमें। वो लड़के अच्छे हैं ना? हाँ यार, तो तंग हो जाते हैं। और हम लोग रोपवे से हैं और ऊपर जितना टाइम पूजा करने में लगे पूजा करते हैं यार, और आए हैं माँ शारदा के दरबार में तो मन शांत हो रहा है भाई। और अंदर जाएंगे पूजा करेंगे और भी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा भाई, तो चलिए चलते हैं। और ये सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई माँ शारदा का मंदिर। तो आप जैसे ही उतरेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा दर्शन मार्ग, तो चलिए भाई चलते हैं। इस तरह से आप लोग को जाना पड़ेगा, देखिए लिखा रहेगा दर्शन मार्ग, तो चलिए पूजा करते हैं यार पहले। सो गाइस, तो दर्शन हमारा काफ़ी अच्छे से हो गया यार। और जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो वीआईपी लाइन और जनरल लाइन एक हो जाता है और हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन किया। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये आल्हा कुंड है, तो वहाँ भी
में भी चलें। और भाई जैसे ही 8 बजता है सारा बंद हो जाता है, आल्हा आते हैं और माँ शारदा का श्रृंगार करते हैं और सुबह पुनः अपने रूप में रहती है, तैयार व्यार रहती है पूरे श्रृंगार के साथ। तो माना जाता है और कहा जाता है कि जो आल्हा है वही आके माता का श्रृंगार करते हैं कि 108 शक्तिपीठों में से एक यहाँ पे बसते हैं और यहाँ पे माता का हार है। तो भाई 108 शक्तिपीठों में से माँ यहाँ एक है, तो मैंने बताया है कि यहाँ पे माँ का हार बसता है और काफ़ी अच्छा जगह है यार। आप लोग भी एक बार आए विजिट करें, एमपी में पड़ता है। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं यार। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें यार। तो चलिए यार चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं और कुछ जो भी रहेगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और ड्रोन शॉट भी है, कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं यार। और कमेंट ज़रूर करें यार, क्योंकि कमेंट करने से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। सो आइए चलते हैं। पे फिर से यहाँ से हम लोग को नीचे जाना है, नीचे का सफ़र स्टार्ट करना है। तो आइए चलते हैं नीचे। भाई आए थे उससे ज़्यादा भीड़ जाने वाले लाइन में है यार, मतलब नीचे उतरने वाले में। देखिए एक बार मेरे पीछे नज़ारा, इससे भीड़ है भाई। तो आना जितना कठिन है उतना कठिन जाना भी है यार। कठिन क्या यार, हमने तो बस रोपो से आया, पैर से तो आया ही नहीं, पैर से चल के आता पैदल स्टेप बाय स्टेप, तो यार क्या होता है इस गर्मी में, हालत ही ख़राब हो जाता है यार। फाइनली रोपवे में पहुंच गए हैं यार और जा रहे हैं नीचे। और भाई नीचे जा रहे हैं और भाई लाइन काफ़ी बड़ा था तो टाइम तो थोड़ा सा लग ही गया। तो चलिए नीचे मिलते हैं, हम लोग दर्शन करके नीचे चले आए हैं। तो भाई चलते हैं, अब पैर काफ़ी जल रहा है यार, और चलते हैं सबसे पहले पार्किंग में हम लोग, या फिर देखते हैं कुछ खाते हैं। तो भाई जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पे आके ख़त्म हो गया भाई। और मतलब ये जो होटल है माँ मैहरीन, इसमें रेस्टोरेंट भी है भाई, तो यहीं पे आके हम लोग खाना वाना खा लिए। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे बिहार के लिए और ये वीडियो यहीं तक रहेगा। तो कमेंट करके बताएँ कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और अच्छा लगा बुरा लगा ज़रूर सजेस्ट करें यार। तो जैसा वीडियो आपको लगा आप प्लीज़ एक बार कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय।